Hello everyone, today we will read chapter 10 of class 6. This chapter name is Uncle Poser Hangs a Picture. This is a very humorous story, and in this story you will see how a little task can cause trouble if not done properly, and see the humor behind simple situations. कि एक छोटी सी स्थिति होती है, बहुत ही सिंपल स्थिति होती है, उसमें जो है बहुत ज्यादा परेशानियां हो जाती है छोटा सा कार्य पूरा करने के लिए. यह आप पढ़ोगे, क्योंकि बिना प्लान के कोई कार्य करना वो सही नहीं होता है. इसी स्टोरी में यही है कि हमें प्लान बनाकर कोई कार्य करना चाहिए. ओके, फर्स्ट थिंक अबाउट द वर्क एंड देन डू. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. You never saw such a commotion up and down a house in all your life as when my uncle Poser undertook a job. तुमने कभी भी इतने ज्यादा commotion means disturbance, हलचल नहीं देखी होगी एक घर में, जैसे अपने जीवन में, जैसा कि मेरे अंकल पोजर के यहाँ पर काम करने में इतनी परेशानी हुई. A picture would come from the frame makers and be standing in the dining room waiting to be put up, and Aunt Poser would ask What was to be done with it? And Uncle Poser would say, एक पिक्चर लाई गई फ्रेम मेकर में से, स्टैंडिंग द डाइनिंग रूम के लिए वहां पर वेटिंग टू बी, और इसका इंतजार हो रहा था उसे रखने का. और Aunt Poser जो है उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए, what will, क्या हो सकता है. तब अंकल पोजर ने क्या कहा, देखिए, ओह यू लीव दैट टू मी, कि तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, डोंट एनी ऑफ यू वरी योर सेल्फ अबाउट दैट, आई विल डू ऑल दैट. उन्होंने कहा कि ये सब कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं वह सब कर लूंगा. देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगिन, तब उन्होंने अपना कोट उतारा और शुरू कर दिया कार्य करना उस पर. ही वुड सेंड द गर्ल आउट फॉर 6 पेनी वर्थ ऑफ नेल्स एंड देन वन ऑफ द बॉयज आफ्टर हर टू टेल हर व्हाट साइज टू गेट, एंड फ्रॉम दैट ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन एंड स्टार्टेड द होल हाउस. उन्होंने एक लड़की को भेजा 6 पेनी लेने के लिए, वर्थ ऑफ नेल्स 6 पेनी के नेल्स बोल्ट लेने के लिए भेजा, और एक लड़कों को उसके पीछे भेजा टू टेल हर, कहने के लिए कि क्या साइज होना चाहिए उन बोल्ट का. और उसके बाद ग्रेजुअली मीन्स प्रायः धीरे धीरे क्या होता है, वर्क डाउन वर्क शुरू हो गया और स्टार्टेड द होल हाउस, और पूरे घर में अब वो हो गया, चंबा होने लगा कि ये कार्य शुरू. नाउ यू गो एंड गेट मी माई हैमर विल, अब विल से कहते हैं कि अब तुम जाओ और मेरा हैमर लेके आओ, हैमर मीन्स हथौड़ा. ही वुड साउट, वह चिल्लाया जो अंकल पोजर, एंड यू ब्रिंग मी द रूल टोम, और टोम से क्या कहा उसने, रूल लाने के लिए कहा अंकल पोजर ने. एंड आई शैल वांट द स्टेप लैडर, उसने बोला अब मुझे स्टेप लैडर भी चाहिए. इन दिस पिक्चर यू आर सीइंग दैट अंकल पोजर ट्राइंग टू हैंग द पिक्चर, एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर, अब उन्होंने कहा किचन चेयर भी होनी चाहिए इसके लिए. और जिम जो है वो यूरल, उन्होंने बोला तुम भागते हुए जाओ मिस्टर गोगल्स के यहाँ, एंड और उन्हें बताओ पा गिव काइंड ग्रास की पा ने तुम्हें सम्मान दिया है, एंड होप्स हिज लेग्स बेटर, और आशा की है उनकी अब लेग्स जो है वो अच्छी हो, एंड विल ही लैंड मी हिज स्पिरिट लेवल, एंड डोंट यू गो, और तुम मत जाओ मारिया को, उसने बोला तुम मत जाओ मारिया, बिकॉज आई शैल वांट समबडी टू होल्ड द लाइट, क्योंकि मुझे कोई चाहिए लाइट पकड़ने के लिए यहाँ पर. एंड व्हेन द गर्ल कम्स बैक, और जब लड़की वापस आती है, सी मस्ट गो आउट अगेन फॉर अ बिट ऑफ पिक्चर कोड, उसे पिक्चर कोड भी चाहिए, कोड मींस रस्सी. एंड टॉम, वेयर इज टॉम, अब वो कहता है टॉम कहाँ है, टॉम यू कम हियर, तुम यहाँ आओ, आई शैल वांट यू टू हैंड मी द पिक्चर, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पिक्चर हैंड में लो, अपने हैंड में लेकर कर, ये इन दिस पिक्चर यू आर सीइंग टॉम. देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर एंड ड्रॉप इट, एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम, तो उसने क्या है पिक्चर को उठाया, लेकिन वैसे ही वह पिक्चर गिर गई नीचे, और वो फ्रेम से बाहर आ गई. ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास, और उसने जो ग्लास है जो शीशा है उसको बचाने का प्रयास किया. कट हिमसेल्फ, अब उसके क्या कट लग गया उससे ग्लास से. एंड देन ही वुड स्प्रिंग राउंड द रूम, और तब वे पूरे रूम में घूमा लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचीफ, अपने हैंडकरचीफ को देखने लगा वो. ही वुड नॉट फाइंड हिज हैंडकरचीफ, उसे कहीं भी अपना हैंडकरचीफ नहीं मिला, बिकॉज इट वॉज इन हिज कोट पॉकेट, क्योंकि वो उसकी कोट की पॉकेट में था, विच ही हैड टेकन ऑफ, जिसने उसे उतार दिया था, एंड डिडंट नो वेयर ही पुट इट, और उसे नहीं पता था कहाँ पर उसने उसे उतारा था. और पूरे घर में वुड लीव ऑफ लुकिंग फॉर हिज टूल्स, वहां पर देखने लगे सब कोट के लिए, एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट, और उसके कोट के लिए भी सब सर्च करने लगे, खोजने लगे. व्हाइल ही वुड डांस, और जबकि वो क्या कर रहा था, वो डांस करता था राउंड एंड हिंडर देम, और वहां पर बाधा उपस्थित हो जाती थी. हिंडर मीन्स स्टॉप, प्रिवेंट, कोई बाधा डालना,
काम रोक देना, काम बीच में रुक गया। डजंट एनीबडी इन द होल हाउस नो वेयर माय कोट इज। अब अंकल पूजन ने कहा कि किसी को पूरे घर में किसी को मेरा कोट नहीं पता कि कहाँ है, कोई नहीं जानता। आई नेवर केम अक्रॉस सच अ सेट इन, मैंने अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा, ऐसी परिस्थिति नहीं देखी। अपॉन माय वर्ड्स आई डिडंट इट, मैं नहीं कह सकता, ये मैंने नहीं कर सकता। सिक्स ऑफ यू, आप अब्बू कहता है तुम सिक्स हो, छह लोग हो, एंड यू कैन नॉट फाइंड अ कोट, और तुम एक कोट नहीं पा सकते हो। दैट आई पुट डाउन नॉट 5 मिनट्स अगो, अभी उसे ज्यादा देर नहीं हुई, ओनली 5 मिनट्स पहले ही मैंने उतारा था। वेल ऑफ द, अब आगे वो इसके डेड डेस्क मीन ये होता है कि वो और कुछ भी कहता है यहाँ पर, जैसे हम कहते हैं कि आप सिक्स लोग हो, कुछ नहीं कर सकते, ये वो, ऐसे ही वो कुछ कहता है। नाउ लेट्स सी कि वो सबको कह रहा है कि नहीं पता, लेकिन क्या होता है इसके बाद। देन ही गेट अप, जब वो उठता है वहां से, बैठा हुआ था ना चेयर पे, एंड फाइंड दैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट, और वो पाता है कि वह उस पर बैठा हुआ था। एंड वुड कॉल आउट, अब वो बुलाता है सबको, ओ यू कैन गिव इट अप, आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ, अब वो कहता है कि मैंने खुद ही पा लिया है अपने कोट को। माइट जस्ट एज वेल आज तक कैर टू फाइंड एनी थिंग देन एक्सेप्ट यू विल टू फाइंड, जैसे आप कहते हो ये सेम ऐसे ही है कि कैट को कहते हो कुछ पाने के लिए और पिपिल उसे लोग पता लगा लेते, ऐसे ही है। वो कहता है कि अपना पूरा क्रेडिट अपने आप को देता है, मीन्स ये है कि उसका कि हाँ मैंने अपना गलती उसकी ही थी, और वो दूसरों को के ऊपर करता है। एंड व्हेन हाफ एन आवर हैड बीन स्पेंट इन टाइंग अप हिज फिंगर एंड अ न्यू ग्लास हैड बीन गॉट एंड द टूल्स, अब क्या होता है बाद में, हाफ एन आवर इसके बाद क्या होता है, इतना समय व्यतीत हो गया, अब उसने अपनी फिंगर को टाई किया वहां पर, बांधा उसने कुछ बांधा जो कट हो गया था, और एक न्यू ग्लास, अब न्यू ग्लास भी आ गया, उसे मिल गया है। एंड द टूल्स, और टूल्स औजार भी मिल गए हैं, लैडर सीढ़ी भी मिल गई, चेयर भी मिल गई है, लैंटर्न भी हो गई है, हेड वहां पर लाई गई, ही वुड हैव अनदर गो, अब क्या होता है उसे और कुछ चाहिए। द होल फैमिली, जो पूरा परिवार था इंक्लूडिंग द गर्ल, उसमें पूरे कौन कौन शामिल था, गर्ल भी थी और चार वुमेन कौन होती है, जो क्लीन द हाउस, जो साफ सफाई का कार्य करती है, मिस मेड, स्टैंडिंग राउंड इन अ सेमी सर्कल, वो सब सेमी सर्कल खड़े हुए थे, वो उसकी सहायता करने के लिए सेमी सर्कल में खड़े थे। टू पीपल वुड हैव टू होल्ड द चेयर, दो लोगों ने चेयर को पकड़ रखा था। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे आगे, ओके। एंड अ थर्ड वुड हेल्प हिम अपॉन इट, और थर्ड भी उसकी सहायता की होल्डिंग डे उसको पकड़ने में। एंड फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल, और फोर्थ ने उसको क्या दिया, नेल दिया, बोल्ट दिया। और फिफ्थ वुड पास हिम द हैमर, और फिफ्थ ने उसको हैमर थोड़े को पास किया, उसको पहुंचाया। एंड ही वुड टेक होल्ड ऑफ द नेल, उसने नेल्स को होल्ड किया, पकड़ा, एंड ड्रॉप इट, और ये गिर गया। अब ऐसे ऐसे ये उसके पास नेल आया, अब देखो नेल भी गिर जाता है, यही इसमें ह्यूमरस है कि एक के बाद एक चीज जो आती है वो करते हैं और वो ड्रॉप हो जाती है, कोई लॉस्ट हो जाती है, तो यही इसमें ह्यूमरस है कि छोटे से कार्य करने में कितना लंबा वो लग रहा है। देयर ही वुड से इन एन इंजर्ड टोन, अब वो बड़ी उसमें कहता है, इंजर्ड टोन में बोलता है, नाउ द नेस गोन, अब नेस चला गया, ऐसे करके कहता है वो। And we would all have to go down on our knees and grovel for it. अब वो क्या कहता है कि हमें नीचे हो जाना चाहिए, अपने घुटनों के बल झुक जाना चाहिए, एंड grovel for it. Grovel means गिड़गिड़ाना किसी के आगे, जैसे हम नीचे हो गए, या हमली बात करना, बिहेव हमली, इसके लिए, किसके लिए, जो नेल्स को। While he would stand, और अपने आप वो खड़ा हुआ था चेयर पर, एंड grunt, और वहां पर क्या हो रहा है, grunt means लो साउंड इन throat, कुछ करा सा रहा है गले में से, कुछ धीमे से आवाज निकाल रहा है, लो साउंड इन throat. एंड वॉन्ट टू नो, और वो जानना चाहता है, इफ ही वाज टू बी केप्ट देयर ऑल इवनिंग, कि क्या सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा इवनिंग में। द नेल वुड बी फाउंड, अब नेल जो है वो पा लिया जाता है उसे, बट बाय देयर, लेकिन उसी समय क्या होता है, हैमर लॉस्ट हो जाता है। अब नेल पहले खोया गया था, अब नेल आ जाता है, और अब हैमर खोया जाता है, यही इसमें ह्यूमरस है, ये एक के बाद एक चीज वापस आती है और दूसरी खो जाती है। वेयर्स द हैमर, अब वो कहता है हैमर कहाँ है, What did I do? अब मैं क्या करूं विद द हैमर, कि हैमर क्या करूं मैं भी? Great heavens, seven of you. अब वो फिर से ऐसे कहता है कि great heavens की बड़ा सेवन, तुम सात लोग हो, और गैपिंग मीन्स आवरते हुए कहता है राउंड देयर, घूमता है वहां पर, यू डोंट नो, अब और सबको दोष देने लगता है कि सात लोग यहाँ पर हो और तुम नहीं जानते कि हैमर कहाँ है, तो मीन्स ये फॉल्ट उसका है, और वो सबको कहता है
हर चीज जब कोई खो जाती है, गुम हो जाती है, वी वुड फाइंड द हैमर फॉर हिम एंड देन ही वुड हैव नो साइन ऑफ द मार्क ही पुट ऑन द वॉल। अब कहते हैं कि हम, अब क्या होता है, हैमर उसका पता लगा लिया उसके लिए, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, लॉस्ट साइट, कि जहां पर उन्होंने मार्क किया था दीवार में वो खो जाता है, कि वो पता नहीं चलता कहां पर चिन्ह बनाया था, कि कहां पर हमें हैंग करनी है पिक्चर को। एंड ईच वन ऑफ अस हैड टू गेट ऑन द चेयर बिसाइड हिम एंड वी वुड ईच डिस्कवर इट इन अ डिफरेंट प्लेस। अब वो सब कहते हैं कि हम जो है वहीं पर वो बैठ गया वहीं पर, और हम जो है वो फाइंड करने लगे, उसको सर्च करने लगे डिफरेंट अलग अलग स्थानों पर। एंड ही वुड कॉल अस ऑल फूल्स, और वो हम सबको क्या फूल्स बोल रहा था, मूर्ख बन आफ्टर अनादर, एक के बाद एक दूसरे को ऐसे ही बोलता था, टेल अस टू गेट डाउन, हम सब नीचे उतरते जा रहे थे, देन ही वुड टेक द रूल, तब उसने रूल लिया एज ही मेजर, और उसे फिर से मापना शुरू किया उसने, एंड फाइंड दैट ही वांटेड टू हैव 31, उसने उसे पाया कि 31 हो चुका है, 3/8 और 3/8 इंच हो चुका है फ्रॉम द कॉर्नर, एंड वुड ट्राई टू डू इन हिज हेड एंड गो मैन, और उसने कोशिश की करने की अपने माइंड से, और वो ऐसा लगता था कि अब वो मैड हो गया है, पागल हो गया है, एंड वी वुड, और हम सब भी प्रयास करते थे करने की ना हेड, सोचते थे एंड अराइव एट, और सोचते थे कि अलग अलग परिणाम आए, एंड स्नेल एट वन अनादर, लेकिन तभी क्या होता है इन द जनरल रूम में क्या होता है, ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगॉटन, हम जो ओरिजिनल नंबर था उसका कि क्या नंबर था, कितना साइज, वो भूल गए, एंड अंकल पोजर वुड हैव टू मेजर, और अंकल पोजर जो है इसे फिर से मापने लगे, उन्होंने यूज किया इसको मापने के लिए इस बार स्ट्रिंग का यूज किया, एक डोरी का यूज किया एंड क्रिटिकल, और ये बड़ा ही बहुत ही परेशानी का समय था ये, व्हेन द ओल्ड फूल वाज लीनिंग ओवर, जब वो ओल्ड फूल किसको बोला जा रहा है, जो अंकल पोजर है, कि अंकल पोजर जो है वो नीचे लीनिंग ओवर में झुकना बेंट, वो नीचे झुकते हैं जैसे होते हैं वो एट एन एंगल ऑफ 40-45 के एंगल में, एंड ट्राइंग टू रीच अ पॉइंट, और वो पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पर उन्हें पिक्चर हैंग करनी है, वहां पर फिर क्या होता है, स्ट्रिंग वुड स्लिप, स्ट्रिंग उनके हाथ से स्लिप हो जाती है एंड डाउन, और वो क्या होता है, नीचे स्लिप हो जाते हैं, स्लाइड हो जाते हैं ऑन टू द पियानो, किस पर गिर जाते हैं, वो पियानो पर गिर जाते हैं, अ रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट, अब क्या होता है, एक म्यूजिकल की आवाज सी होती है जब वो उस पर गिरते हैं, और तभी क्या होता है, हेड एंड बॉडी स्टक, कि उनके बॉडी जो है हेड और बॉडी में स्टक वो लग जाती है, ऑल द नोट्स एट द सेम टाइम, उसी समय ये सब हो जाता है। एट लास्ट अंकल पोजर वुड गेट द स्पॉट फिक्स अगेन, अंत में क्या होता है, अंकल पोजर को जो है फिर से मिल जाता है वो स्थान जहां पे उन्हें फिक्स करना है, और वो फिर से पॉइंट करते हैं नेल, जहां पर वो करते हैं नेल को लेफ्ट हैंड से किससे, और हैमर को लेते हैं अपने राइट हैंड में, हैमर को लेते हैं एंड विद द फर्स्ट ब्लो वो फिर से उस पर प्रहार करते हैं, थोड़ा स्मैश इस थंब, अपने थंब से उसको ठोकते हैं वहां पर, स्मैश करते हैं ड्रॉप पर, और फिर क्या होता है, फिर से हैमर को ड्रॉप हो जाता है विद अ येल, और फिर से वो चिल्लाते हैं ऑन समबडी टो, और वो किसी के टो पर गिर जाता है जो हैमर है। आंट मारिया वुड माइल्डली ऑब्जर्व, और आंट मारिया जो है वो ये बड़ी नम्रता से सब कुछ देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, और नेक्स्ट टाइम वो कहती है कि जब अंकल पोजर वाज गोइंग टू हैमर, जब वो हैमर लेंगे नेल के करने के लिए, नेल लगाने के लिए बॉल में, दीवार में, ही वुड लेट हर नो इन टाइम, वो उन्हें उसी समय देगी बिल्कुल जस्ट सो दैट सी कुड मेक अरेंजमेंट, और वो कहती है अब मुझे उसे कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं टू गो, जाने के लिए कहाँ पर, एंड स्पेंड अ वीक, और एक सप्ताह उसे व्यतीत करना विद हर मदर, उसके लिए उसे अरेंजमेंट भी करने हैं, मदर व्हाइल इट वाज बीइंग डन, जब ये सब कर रहा है तो मैं इतने अपना वो कर लूंगी कार्य, वहां कार्य में, ओ यू वोमैन, अब वो कहता है कि यू वोमैन तुम इसी, यू मेक सच अ फस ऑफ एवरीथिंग, तुम इतनी परेशान क्यों हो फिरती एक चीज के बारे में, अंकल पोजर वुड रिप्लाई, अब अंकल पोजर उत्तर देते हैं, पिकिंग हिमसेल्फ अप, लेते हुए अपने आप, व्हाई आई लाइक डूइंग अ लिटिल जॉब ऑफ दिस सॉर्ट, कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये इतना छोटा सा कार्य इस प्रकार का, वो इसे बहुत से छोटा सा जॉब कहते हैं इस कार्य को करने के जो नहीं हो पा रहा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस।